आपने बुलाया हम चले आए हैं, लेके क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इससे पहले थ्योरी देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए थ्योरी को देखिए। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th को जो है कि पढ़ाने वाले हैं, इनका सॉल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, और एक एक सवाल को विस्तार पूर्वक जो है कि हम पढ़ते जाएंगे। उससे पहले आप इस एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हो तो उससे पहले ट्रिक जान लो, ऐसा मूल मंत्र जान लो कि हिसाब को देखते हुए ही बना दो, ऐसा ट्रिक। तो पहले ट्रिक को देख लो, उसके बाद एक एक सवाल को हम जो क्या है कि सॉल्व करेंगे। के वाक्यों को पढ़ते हो, उनके जो एग्जांपल दिए होते हैं और आपको पहचानने के लिए कहते हैं कि ये सेट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा मूल मंत्र बताऊंगा कि आप वाक्य को देख करके ये आसानी से कह दोगे कि यह सेट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको हम इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने जा रहे हैं जिनको देख करके आप पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम सेट को जान लेते हैं। तो सेट अपने आप दैनिक जीवन में देखते हो, सेट अनेक प्रकार के सेट देखते हो, जैसे कपड़ों का सेट होता है, बर्तनों का सेट होता है, बेंच डेस्क का सेट होता है, किताबों का सेट होता है। सेट से आप लोग परिचित हैं लेकिन आप लोग गौर नहीं करते हैं, तो गौर कीजिए। और यहाँ पर आपको हम सबसे पहले उनका डेफिनेशन देते हैं। अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार बैठे हो तो आप कॉपी खोलिए और डेफिनेशन को लिखिए। भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, ये सम्राट ट्रिक है, आप कभी मिस ही नहीं करोगे। ये पहला कि देखिए जिस वाक में आपको लगा रहे ये से विद्वान, उसके बाद क्या रे खतरनाक रे खतरनाक, सुंदर या सुंदरता जिसका यूज हो, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ, विद्वान, ये सब देख लीजिए कि इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको वाक्य में लगा रहे तो डायरेक्ट आपको मार देना कि ये सेट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, ये जो विद्वान है ये सब परिभाषित नहीं है, खतरनाक भी परिभाषित नहीं है, ये सुंदरता भी परिभाषित सब नहीं है, तो इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ भी ये परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महान, ये महान भी लगा रहे जिस वाक्य में, ये सब आप समझ लीजिए कि वो सेट नहीं होगा। तो ये कुछ शब्द है विद्वान, खतरनाक, सुंदर, सर्वश्रेष्ठ और महान, जिस वाक्य में लगा रहे आप लोग आंख मूंद के मार दीजिए कि यह सेट नहीं होगा, क्योंकि ये सब परिभाषित शब्द लीजिए। यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर सेट है, अब क्लास 11th हो गया, एक्सरसाइज 1.1। अब एक एक सवाल को गहराई के साथ समझते चलिए। तो देखिए पहला सवाल आपका क्या है, देखो जैसे ही पढ़ने के लिए बैठो, वीडियो देखने के लिए बैठो, तो क्या करो कि कॉपी निकाल लो, कलम निकाल लो, और जैसे हम पढ़ाते जाते हैं तो आप अपने कॉपी में जो है बनाते चलिए। जिस प्रकार से आप क्लास में पढ़ते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं कि एक दो सवाल, संपूर्ण पढ़ाई और क्लास से भी बेहतर पढ़ाई होगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो देखिए किताब पलटिए, अगर बुक नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए, क्लास 11th का ये एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन है। और यहाँ पर देखिए एक नंबर का जो सवाल है कि निम्नलिखित में कौन से समुच है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। तो आपने अभी ट्रिक को देख लिया है, तो देखिए उस ट्रिक के अनुसार अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, आपका जो है पहला महीना हो गया जनवरी हो गया, दूसरा जून हो गया, और तीसरा जुलाई हो गया। तो ये ऐसे तीन महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो देखिए एक दो तीन, ये तीन महीने हो गए, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, सेट हो गया, ये सेट हो गया। क्योंकि देखिए जनवरी अलग है, जून भी अलग होता है, जुलाई भी अलग होता है, तो सेट का परिभाषा ही है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो देखिए भिन्न भिन्न महीना हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, सेट है।
अब जो दूसरा नंबर का सवाल है इसमें कह रहे हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रतिभाशाली, तो अभी आपने ट्रिक में पढ़ा प्रतिभाशाली जिस वाक्य में लगा रहे तो वो सेट होगा ही नहीं, तो इसमें कह रहा है कि ये सेट होगा कि नहीं होगा। यहाँ जो आपका सवाल है यानी कौन से समूह सेट मतलब समूह, तो देखिए ये सेट जो है कि नहीं होगा क्योंकि प्रतिभाशाली लगा हुआ है। अब इनका औचित्य क्या होगा, तो देखिए प्रतिभाशाली जो है वो परिभाषित शब्द नहीं है, तो यहाँ पर औचित्य में क्या लिखेंगे, पहला तो आप लिखेंगे ये नहीं, फिर औचित्य में लिखेंगे कि प्रतिभाशाली, आप लोग कॉपी पर लिखते चलिए, प्रतिभाशाली परिभाषित शब्द नहीं है इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सेट नहीं होगा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ लगा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ लगा हुआ है, तो ये सेट होगा कि नहीं होगा। तो ट्रिक में पढ़ा है कि अगर सर्वश्रेष्ठ वाक्य में जुड़ा रहे लगा रहे तो क्या होता है, सेट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ये सेट जो है नहीं होगा, सेट नहीं होगा। अब कारण में आपको क्या लिखना है, कारण में वही चीज कि सर्वश्रेष्ठ है वो परिभाषित शब्द नहीं है। तो अब देखिए क्यों नहीं है, अभी मान के चलिए कि किसी भी खिलाड़ी को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बल्लेबाज को आपका फेवरेट भी हो सकता है। अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोगों का जो है कि फेवरेट बल्लेबाज कौन है, आप किसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मानते हैं। देखिए आपका जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो वो क्या हो कि जाए बैटिंग करने के लिए शून्य पर ही लौट करके आ जाए, तो देखिए ये परिभाषित नहीं होता है। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो या कुछ हो ऐसा लगा रहे वाक में तो ये परिभाषित शब्द नहीं है इसलिए ये सेट नहीं होगा। आप लोग ट्रिक को ध्यान में रखिए। अब देखिए इसी का जो चौथा नंबर का सवाल है, देखिए आप लोग बुक भी देखते चलिए और कॉपी पर उतारते भी चलिए। अब चौथा नंबर का सवाल है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो देखिए चौथा नंबर में है कि कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, तो कक्षा में जितने भी बालक होते हैं तो सभी क्या एक ही बालक होते हैं, अनेकों प्रकार मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के सभी बालक होते हैं यानी अलग अलग लड़के होते हैं उनको आप गिन सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है सेट है। आप देखिए इनके औचित्य में क्या लिखेंगे, इनके औचित्य में आप अपने कॉपी पर लिखिए कि कक्षा के सभी बालक भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं सेट कहते हैं। तो मान के चलिए कि कक्षा है और कक्षा में ये सब ये डॉट को आप समझ लीजिए कि बालक है, तो देखिए ये भिन्न भिन्न है कि नहीं है। अब संग्रह अब एक सेट के अंदर में है यानी संग्रह को ही हम क्या कहते हैं समूह कहते हैं, तो भिन्न भिन्न बालक एक जगह होते हैं तो इसलिए ये क्या है सेट है। अब इसका जो है पांचवा सवाल कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो देखिए एक से लेकर के और 100 से कम है तो संख्या कहाँ तक होगा 99 तक, तो एक से लेकर के 99 तक अब देखिए जितने भी संख्या होंगे सभी क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे, तो इसलिए ये क्या है सेट है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हाँ ये समूच होगा कि नहीं होगा। आप देखिए इनके औचित्य में यही हो गया आपका एक से लेकर के 99 तक। इसके छठे नंबर के सवाल को देखिए, छठे नंबर में क्या है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, कह रहा है कि सेट होगा कि नहीं होगा, पुनः पढ़ लीजिए उपन्यास यानी प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं इनका संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा, तो देखिए इनका आंसर क्या होगा हाँ होगा। अब देखिए प्रेमचंद जो भी उपन्यास लिखे हैं चाहे गबर हो गोदान हो
तो देखिए इनका संग्रह और सभी उपन्यास लिखे हैं, इनको आप संग्रह करके एक जगह रखिए तो देखिए एक सेट बनेगा ही, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, सेट होगा। हाँ, उसके बाद आपका सातवां सवाल जो है, सातवां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सातवां सवाल कि सभी संपूर्णांकों का संग्रह, सभी संपूर्णांकों का संग्रह। तो यहाँ पर देखिए सभी संपूर्णांकों का संग्रह कह रहा है कि सेट होगा कि नहीं होगा, तो ये भी इनका जो आंसर होगा ये होगा हाँ। अब देखिए इनका औचित्य क्या होगा, इसे संपूर्णांक लेंगे तो पूर्णांक संख्या आप जानते ही हैं, ये क्या होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं का संग्रह होता है, सेट होता है। तो देखिए एक सेट बना लीजिए, जैसे मान के लिए यहाँ पर डॉट डॉट मारिए, क्योंकि संख्या तो निश्चित है नहीं, संग्रह कर रहा है तो माइनस दो ले लीजिए, पूर्णांक कर रहा है तो माइनस दो जीरो हो गया, उसके बाद दो लेंगे, फिर यहाँ पर आप लेना चाहेंगे चार छ ऐसे करके लेंगे। उसके बाद अगला आठवां सवाल जो है, आठवां सवाल कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो यहां पर देखो ये बुक है, आप लोग बुक पढ़ रहे हो, इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल आएंगे, इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल आएंगे तो बोलो सभी एक ही सवाल होगा कि अलग अलग होगा। जैसे ही सवाल अलग अलग हुआ यानी भिन्न भिन्न हुआ, और देखिए जैसे ही भिन्न भिन्न हुआ तो परिभाषा तो यही है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो इसलिए इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह क्या होगा, सेट होगा। तो यहाँ पर लिखना है हाँ, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह क्या होगा, सेट होगा। तो आंसर में हाँ लिखिए, औचित्य लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न भिन्न भिन्न है। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए यह क्या है, सेट है। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर एक दो तीन चार पांच छ, तो सेट ए है, इसमें छ एलिमेंट है एक से लेकर के छ तक। अब देखिए ये सेट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। तो इसमें और कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, तो रिक्त स्थानों में, अब इसके नीचे में सवाल दिया हुआ है, उसमें कल हमने आपको बताया था एप्सिलॉन यानी बिलोंग्स टू, इनका नाम क्या है, बिलोंग्स टू या एप्सिलॉन बोलते हैं, और एप्सिलॉन नॉट या डज नॉट बिलोंग टू, ये दो चिन्ह का प्रयोग करना है। अब किसके बीच में भरा जाएगा, किसके बीच में नहीं भरा जाएगा, अब इन पर आधारित जो सवाल है इनको देखिए गौर से। तो इसमें क्या कह रहा है कि पांच और डॉट डॉट क्या है ये, तो यहां पर देखिए पांच, तो पांच देखिए ए में है कि नहीं है, है। जब पांच ए में है यानी पांच ए का क्या है, सदस्य है,
तो सदस्य को हम दर्शाने के लिए कल हम बताए थे किसका प्रयोग करते हैं, बिलोंग्स टू का, यानी इस चिन्ह का, इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या भरा जाएगा, बिलोंग्स टू। अब देखिए दूसरा सवाल जो है इनका, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि आठ और यहाँ पर क्या है ए। अब देखिए आप लोग बताइए ये चिन्ह भरा जाएगा कि यह चिन्ह भरा जाएगा। तो देखिए दोनों में अब यहाँ पर आपको देखना है ये क्या है, आठ है ना, तो देखिए आठ इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे देखिए कट का चिन्ह मार देंगे, यानी नहीं है तो कट टू, यानी ये चिन्ह मारेंगे एप्सिलॉन नॉट, यानी डज नॉट बिलोंग टू। तीसरा इनका जो तीसरा सवाल है, तो इसमें देखो तीसरा सवाल में क्या कह रहा है कि ये जीरो है, उसके बाद अब इस बीच में अब देखिए बिलोंग्स टू भरा जाएगा कि डज नॉट बिलोंग टू भरा जाएगा, ये यही दो चिन्ह रखना है। आप लोग बताइए फटाफट क्या भरा जाएगा, आप लोग बोलिए। चलिए तो देखिए जीरो यहां पर है ना, तो यहां पर देखिए कि जीरो इसमें है, जीरो इसमें है नहीं है, अब नहीं है तो कट टू, ये कट टू वाला साइन मारिए, मार दिए। और देखिए इसका चौथा सवाल जो है, चौथा सवाल क्या है, ये चार है, तो देखो चार इसमें है कि नहीं है, तो अब आप लोग समझ ही चुके हो कि किसके बीच में क्या भरा जाएगा। अगला भी सवाल देख लो इसका, इसके बाद है पांचवा, दो है, तो देखिए दो इसमें मिल गया, दो जो है ये में है कि नहीं है, तो इसलिए ये बिलोंग्स टू भरा जाएगा। और छठा सवाल जिसका है ये है दस, अब देखिए दस, तो दस ए में है नहीं है, तो मारो कटो साइन। तो क्वेश्चन नंबर दो तो समाप्त हो गया, अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन है, क्वेश्चन नंबर तीन में क्या कर है। अच्छा आप लोग कौन कौन भोजपुरी गाना गाते हो, एक गाना जो है कि गा करके सुना ही दो, नहीं तो जो फेवरेट गाना है कॉमेंट में लिखो, आज लिख ही दो। अब देखो अब हमारे क्लास में पढ़ रहे हो यानी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो अब सभी छात्रों के लिए जो है कम से कम सिगरेट पीने के लिए रुपया तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अब कोचिंग का रुपया बचेगा ही, तो ऐसा नहीं करना है कि सिगरेट पी करके उड़ा देना है कि एकदम बचा चलो है रुपया बच गया मैथमेटिक्स का, तो सिगरेट पे पी लेते हैं, सिगरेट नहीं पीना है आप जो है कि एकदम कॉपी एकदम खरीदिए, कलम खरीदिए, अच्छा बुक। इनके एक में सवाल है, पहले इनके प्रश्नों को पढ़ लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समुचियों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब यही समुच के भेद का हम प्रयोग करेंगे, तो कल हमने बताया है कि समुच के भेद यानी दो भेद होते हैं, पहला क्या होता है कि सारणी या तालिका रूप, और दूसरा क्या होता है समुच निर्माण विधि यानी टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर आपको जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, कह रहा है कि ए बराबर, तो यहाँ पर है कि एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक में है कि ए बराबर यहाँ पर एक्स कोलन, या सच डेट भी आप इनको पढ़ सकते हैं, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक क्या है पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पर देखिए एक्स का जो मान है माइनस तीन से क्या है बड़ा है, और सात से क्या है छोटा है। तो देखिए अब इनको आपको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्लियर है इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे x का मान माइनस तीन से बड़ा, आप लोग बोलो
माइनस चार होगा बड़ा, तो यहाँ पर देखिए माइनस तीन है, तो माइनस तीन से बड़ा क्या होगा माइनस दो, यानी घटों में उल्टा सोचना है, घटों में उल्टा सोचना है, यानी वैसे तीन बड़ा होता है और दो क्या होता है छोटा होता है, लेकिन जैसे माइनस अगर लग जाए तो माइनस दो बड़ा होगा, माइनस तीन क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान माइनस तीन से क्या है बड़ा है लेकिन सात से छोटा है, तो माइनस दो से लेकर के आपको कहाँ तक लिखना है छो तक, यानी माइनस तीन से क्या है बड़ा, माइनस दो बड़ा है, माइनस एक बड़ा है, जीरो बड़ा है, एक दो तीन चार पांच, अब देखिए सात से छोटा है तो छो तक हम लिखेंगे, तो देखिए माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन चार पांच छो, ये क्या है पूर्णांक संख्या है और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी फिर से समझिए एक्स का मान माइनस तीन से क्या है बड़ा है, तो माइनस तीन से बड़ा क्या होगा माइनस दो होगा। अब कैसे होगा माइनस दो बड़ा, तो देखिए किसी के पास तीन रुपया कर्जा है, आपके पास दो ही रुपया कर्जा है, तो कौन अमीर आदमी हुआ, ऐसे ही सोचिए। अब चलिए इस सवाल का आंसर हम जान लेते हैं, इसका आंसर तो आपने जान लिया यहाँ पर, अब यही आपका क्या हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया। अब देखिए इनको कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, कह रहा है कि x सच डेट x संख्या छो से कम प्राकृत संख्या है, यानी छो से कम प्राकृत संख्या है। अच्छा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या जो है कहाँ शुरू होता है एक से शुरू होता है, तो छो से कम है यानी एक से लेकर के कहाँ तक होगा पांच तक, यानी छो से कम तो छो से कम एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया और क्या हो गया पांच हो गया, यानी एक से पांच तक, यही आपका क्या है रोस्टर फॉर्म है। अब फिर देखिए इनका जो तीसरा सवाल है, ये दो सवाल तो आपने देख लिया, तीसरा सवाल को देखिए इनका आंसर क्या होगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की एक अवशिष्ट प्राकृत संख्या है, यानी दो अंकों का जैसे मान के चलिए कि एक हो गया दो हो गया, देखिए इसमें कितने अंक हैं, एक ही अंक है, यहाँ पर कह रहा है कि दो अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल आठ है, जिसके अंकों का योगफल कितना है आठ है, तो देखिए अंकों का योगफल आठ होना चाहिए, तो क्या सब लेंगे सत्रह आप ले सकते हैं, अब देखिए दोनों को जोड़िए सात एक क्या हो गया आठ हो गया, फिर क्या ले सकते हैं छब्बीस आप ले सकते हैं क्योंकि छोटो क्या हो गया आठ हो गया, फिर यहाँ पर आप पैंतीस ले सकते हैं पांच तीन क्या हो गया आठ हो गया। अब चलिए चालीस के बाद चलते हैं, तो कौन सी संख्या अगर चालीस लेंगे तो चार और जीरो चार हो गया, बयालीस लेंगे तो चार दो छो छ हो गया, अब देखिए तो चौवालीस ले सकते हैं क्योंकि चार और चार क्या हो गया आठ हो गया, उसके बाद आप ले सकते हैं तिरपन पांच तीन क्या हो गया आठ, फिर देखिए साठ से ऊपर में आप क्या लेंगे बासठ लेंगे छ दो आठ, फिर देखिए इकहत्तर लेंगे अस्सी लेंगे, और किसके आगे आप ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि नब्बे में जाएंगे तो वो तो आपको ऑलरेडी नो हो जाएगा, तो चलिए यही कह रहा था। अब देखिए इनको पुनः समझिए गहराई के साथ, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की यानी ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए आठ होना चाहिए, तो देखिए एक अंक दो अंक हुआ कि नहीं हुआ, एगो अंक ही हो गया ये दो गो अंक, और दोनों का योगफल यानी एक जोड़ सात क्या हो गया आठ, तीन जोड़ पांच क्या हो गया आठ, दो जोड़ छ क्या हो गया आठ, ऐसे देखिए सबको जोड़िए आठ, तो इतनी ही संख्या होगी। अब है इसके चौथे नंबर का जो सवाल है, इनका आंसर जानिए। अच्छा आप लोग कॉपी पर उतारते जाओ, आप लोग कॉपी पर उतारते जाइए। अब यहाँ पर देखिए d बराबर क्या है, x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और जो 60 का क्या है भाजक है, यानी संख्या अभाज्य हो और 60 का क्या हो भाजक हो,
अब पहले जान लीजिए कि आभास संख्या क्या है। आभास संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। तो देखिए क्या सब आएगा सेट डी में। अब देखिए आभास संख्या कहाँ शुरू होता है? आभास संख्या दो से शुरू होता है। आभास संख्या दो से शुरू होता है। अब एक कौन मत मान लीजिएगा आभास संख्या, वो विषम संख्या होता है। एक को छांट के चलते हैं, दो से शुरू होता है। अब कहेंगे कि बहुत स्टूडेंट है कि दो को जो है कि आभास संख्या मान के नहीं चलते। देखिए दो सम संख्या हुआ, विषम संख्या नहीं हुआ, दो विषम संख्या नहीं हुआ लेकिन आभास संख्या होता है। तो देखिए दो तीस दुनी साठ, यानी दो साठ को क्या करता है? विभाजित करता है। तो दो क्या हो गया? आभास संख्या हो गया। उसके बाद फिर देखिए तीन, तीन में एक से भाग लगेगा कि तीन से भाग लगेगा? लगेगा। तो तीन क्या है? आभास संख्या है। तो इसलिए देखिए बीस या साठ, यानी तीन से भाग साठ में लग जाता है, इसलिए आपको क्या हो गया? तीन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चार की। तो चार क्या है? भाग संख्या है, आभास संख्या है ही नहीं, इसलिए चार का हम तो प्रयोग करेंगे ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पांच की। पांच क्या है? आभास संख्या है। क्यों पांच आभास संख्या है? क्योंकि पांच में जो है कि एक और पांच के अलावा दूसरे से भाग नहीं लगेगा। तो यहां पर आप ले सकते हैं पांच ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए और कोई संख्या होगा जो साठ को विभाजित करेगा। अब इसके बाद संख्या है ही नहीं। तो दो तीन क्या हो गया? पांच हो गया। तो देखिए यही लिखना था, यही इसका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर फॉर्म। इनका हिंदी में क्या बोलोगे? सारणी या तालिका। सेट ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसको जो है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ऐसे सवाल है आपका। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, अब इनको बनाना है, इनको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर ई दीजिए, ई दे दिए। अब आपको क्या करना है? अब देखिए रोस्टर फॉर्म इनका जो परिभाषा लिखाए हैं, देखो जो भी नहीं देखे हो थ्योरी वाला वीडियो निश्चित रूप से देख ही लो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है। एक गाना सुने होगे, कहता है कि कभी भूला कभी याद किया। तो याद करोगे तो आपको भी याद करेंगे, नहीं करोगे तो आपको भी ये भूल जाएगा। हालांकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट में होता है। अगर आप याद करेंगे तो आपको जो है कि याद रहेंगे, भूल जाओगे तो आपको भी भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कभी भूला कभी याद किया। याद करते चलिए, समझते चलिए, पहले समझिए उसके बाद याद कीजिए। चलिए तो इसके इस सेट के अंदर में हम क्या लिखेंगे? ये यहाँ पर आप टी देख रहे हैं, यहाँ पर आप टी लिख देंगे, कॉमा दे देंगे। अब देखिए क्या है कि मंझोली कोष्टक के अंदर एक एक, अब यहाँ पर अंक तो है नहीं, यहाँ पर अक्षर है, तो एक एक अक्षर में आप क्या करेंगे? कॉमा, यानी भिन्न भिन्न भी होना चाहिए, कॉमा लगा करके लिखेंगे। तो देखिए टी के बाद अब क्या है? टी के बाद आर है, तो यहाँ पर आर लिख देंगे। फिर क्या है? आई है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। फिर कॉमा देंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल अर्थों में समझते चलिए। फिर देखो यहाँ पर क्या है? ये जी है, तो यहाँ पर जी दे दो। जी के बाद अब क्या है? ओ है, तो ओ दे देना है। अब देखिए ओ के बाद क्या है? एन है, तो यहाँ पर आपको एन दे देना है। अब एन के बाद क्या है? ओ है, तो अब नहीं देना है। यानी जिस लेटर का आप यूज कर लिए हैं एक बार ही यूज करना है, दो बार यूज नहीं करना है।
तो ओ को अब छांटना पड़ जाएगा इस ओ को। अब आगे चलते हैं एम। अब देखिए एम का यूज किए हैं नहीं किए हैं, तो एम लिख दीजिए। फिर क्या है ई है, तो देखिए ई का यूज किए हैं नहीं किए हैं, ई लिख देना है। फिर देखिए ई के बाद टी है, तो टी का हम यूज कर चुके हैं, टी का प्रयोग यहाँ पर कर चुके हैं, तो टी यहाँ पर जो है नहीं लिखना है। फिर आर है, आर का भी हम प्रयोग कर दिए हैं, नहीं लिखना। फिर वाई है, वाई का प्रयोग नहीं किए हैं, तो वाई को लिख देना है। बस यही सिंपल सा तरीका है रोस्टर फॉर्म में लिखने का, आराम से आप लिख सकते हैं। अब कोई भी वर्ड्स दिया रहे आप लोग उनका जो है रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं इसी प्रकार से, सिर्फ रिपीट नहीं करना है। और प्रत्येक लेटर के बीच में क्या करना है, कोमा देकर के अलग कर देना है और मंझोली कोष्टक के अंदर रख देना है। अब अगला इनका जो सवाल है छठा नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है एफ बराबर, ये एफ है, एफ क्या है सेट है, इसमें है बेटर बीई डबल टी ई आर बेटर। इसका जो छठा सवाल है यहाँ पर है कि एफ बराबर बेटर है, यहाँ पर देख सकते हैं इनका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट सेट है तो मिडिल ब्रैकेट आएगा ही, अब ई बी है तो यहाँ पर बी लिखिए, अब फिर कोमा दीजिए, बी के बाद क्या है ई है, ई लिखिए कोमा दीजिए, फिर क्या है टी है और फिर कोमा दीजिए। अब देखिए एक बार और टी है, तो दो बार टी नहीं लिखना है, एक बार ही टी लिखना है। उसके बाद ई है, तो यहाँ पर आपको जो है कि ई पहले ही आप लिख चुके हैं, तो इसलिए फिर ई मतलब रिपीट नहीं करना है। आर है तो यहाँ पर आर दीजिए, देखिए यही है रोस्टर फॉर्म। तो अब आपने समझ लिया है कि कैसे आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आप आराम से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। अब क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है, आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित समुचियों को समुच निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहले समुच निर्माण रूप में था और रोस्टर रूप में लिखना था, अब रोस्टर रूप में है और समुच निर्माण के रूप में लिखना है। तो देखिए चार का जो एक नंबर का सवाल है इसमें है 3, 9, 9, 12 ऐसे करके है। तो देखिए ये रोस्टर फॉर्म में है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे चलिए। लेट, लेट मतलब क्या होता है माना कि, अब इनका कोई नाम देते हैं सेट ए बराबर। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या परिभाषा लिखा है कि मंझोली कोष्टक के अंदर, मंझोली कोष्टक के अंदर एक चर एक्स लीजिए, तिरछी लकीर या कोलन ले सकते हैं एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स बराबर क्या लिखेंगे, अब ये जो संख्या लिखी गई है किस फॉर्म में है, ये तीन का गुणज है, ये क्या है तीन का गुणज। देखिए तीन का तीन, तीन दुनी छो, तीन तिया नौ, ऐसे करके चल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स बराबर 3n, एक्स बराबर 3n आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह चीज दे दीजिए n बिलोंग्स टू n, n जो है क्या है प्राकृत संख्या है, n जो ये जो n है ये क्या है प्राकृत संख्या है। और यहाँ पर वेयर n का जो मान है कहाँ तक होगा, 4 तक होगा, यानी 1 से लेकर के 4 तक। अब देखिए ऐसा हम क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पर x बराबर क्या है 3n है। अब देखिए n का मान जो है 4 के बराबर या 4 से छोटा है, तो n बराबर आपको क्या हो गया 1, 2, 3 और 4 हो गया। अब n का मान यहाँ पर रखिए 3 × 1 क्या हो गया 3, देखिए ये 3 मिल गया कि नहीं मिल गया। फिर n का मान आप लेंगे 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12।
तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं। अब अगला इनका जो क्वेश्चन है यहाँ पर है कि दो चार आठ सोलह और बत्तीस है। अब यहां पर देखिए ये जो दो है और यहां पर जो चार है ये किस प्रकार से बढ़ा है। अब देखिए अगर हम दो की गुणज लेके चले तो दो दो ने चार, अब द्वितीय छो होना चाहिए, दो चौके आठ होना चाहिए, छो नहीं है तो दो के गुणज के रूप में तो है नहीं। अब जो है कि ये जो संख्या यहां पर दी गई है इसके अंदर में ये जो भी एलिमेंट हैं, तो यह जो बढ़ा है दो जो बढ़ा है पावर के रूप में बढ़ा है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं दो पावर एक, और इसको चार को क्या लिख सकते हैं दो पावर दो, उसके बाद आठ को क्या लिख सकते हैं दो पावर तीन, सोलह को क्या लिख सकते हैं दो पावर चार, और बत्तीस को क्या लिख सकते हैं दो पावर पांच, यानी दो पर पावर बढ़ते चला गया है, दो पावर बढ़ते चला गया है। अब देखिए तो यहां पर हम मान लेते हैं कि दो पर पावर क्या है एन है, दो पावर क्या है एन है, क्योंकि पावर के रूप में बड़ा है तो दो पर पावर क्या हो गया एन हो गया। अब देखिए तो एन का मान कहां तक हो सकता है, देखो एक दो तीन चार पांच, यानी एन का जो मान होगा आपको पांच होगा, एक से लेकर के पांच तक होगा, ये हो गया। अब इनको जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए सवाल आपका ये है और सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में इसको लिखना है, तो इनको हम सेट मान लेते हैं बी है, तो फिर वही चीज मिडल ब्रैकेट के बाद आप एक्स लिखिए, एक्स जब आप लिख दिए हैं तो कोलन या तिरछी लकीर फिर एक्स लिखिए और बराबर टू पावर एन दीजिए टू पावर एन। अब यहां पर देखिए अब जो पावर के रूप में जो बड़ा है तो ये जो है एक दो तीन चार पांच ये क्या है प्राकृत संख्या एक से शुरू हुआ है, तो ये भी चीज ये जो एन है अब कोई पूछ देगा कि ये जो एन है इस पर पावर जो है ये पूर्णांक संख्या है कि प्राकृत संख्या है, ये तो आपको दर्शाना होगा, तो ये यहां पर जो ये पावर है ये प्राकृत संख्या है, यानी पावर जो बड़ा है प्राकृत संख्या के रूप में बड़ा है, तो ये चीज आप दे दीजिए कि एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, यानी यहाँ पर जो ये पावर एन है वो क्या है प्राकृत संख्या है, और जिसका मान अब मान भी नहीं लिखना होगा कि एन का मान कहाँ तक होगा अनंत तक तो नहीं होगा, तो देखिए एन का मान तो पांच तक न है, तो लिखने का तरीका वेयर मतलब जहां एन का जो मान है पांच से छोटा या पांच के बराबर है, तो चूंकि n प्राकृत संख्या है तो इसका अर्थ हो गया कि n का जो मान है एक से लेकर के पांच तक होगा। अब देखिए अगर आपको n बराबर दे दिया है एक दो तीन तो आप इनको लिख सकते हैं ऐसे करके n लेस इक्वल टू थ्री, n लेस इक्वल टू थ्री, यही चीज हुआ इनको हम ऐसे लिखते हैं, उसी प्रकार से n बराबर क्या है एक दो तीन चार पांच, इनको हम लिख सकते हैं एन लेस इक्वल टू फाइव, ये यही चीज है। अब देखिए तो एन का मान एक से लेकर के पांच तक है तो यहां पर एक रखेंगे तो दो का दो यानी पावर एक रहेगा तो एक बार दो रहेगा पावर दो बार गुना होगा दो दूनी चार, उसके बाद पावर तीन रखेंगे तो दो तीन बार गुना होगा दो दूनी चार दूनी आठ, फिर एन का मान चार रखेंगे तो सोलह हो जाएगा चार बार गुना करेंगे पांच रखेंगे तो बत्तीस हो जाएगा, तो देखिए यहां पर रख दीजिए अपने आप इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इनका अगला क्वेश्चन जो है देखो ये जो चार नंबर का सवाल हम बना रहे हैं ये थोड़ा टफ है, इनको तीन बार चार बार जाके वीडियो को रिपीट करके आप देखो, अगर एक बार में समझ जाते हो तो और अच्छी बात है, इसमें इस सवाल में थोड़ा दम है। उसके बाद इसके तीसरे नंबर का जो सवाल है ये इस प्रकार से रूप ये इस प्रकार के रूप में है पांच, उसके बाद है पच्चीस,
125 और 625, यानी सवाल आपका ये है 5, 25, 125, 625। अब देखिए मिडल ब्रैकेट के अंदर में है और प्रत्येक संख्या के बीच में कॉमा लगा हुआ है, यानी रोस्टर फॉर्म है। इनको आपको जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, अब दिमाग लेकर आइए कि ये जो है 5 का गुणज है क्या। अब देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 यानी 5 का 5, 5 × 10, 5 × 15, यानी गुणज के रूप में तो लिखा गया नहीं है, यानी 5 जो बड़ा है ये पावर के रूप में बढ़ा है। तो देखिए इससे 5 का पावर क्या हो गया 1, यहाँ पर 5 का पावर क्या हो जाएगा 2, ये 5 का पावर क्या हो गया 3, और 5 का पावर क्या हो गया 4, ऐसे करके बढ़ा है। अब देखिए जैसे 25, 5 को 3 बार गुना करेंगे 125 होगा, 5 4 बार गुना होगा, अब देखिए 625 होगा, ये ऐसे पावर के रूप में बढ़ा है 5। अब इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखेंगे। अब देखिए ये पावर जो है इनको आप एन के रूप में लिख लीजिए, तो मान क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 हो गया। ये सब चीज आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। अब देखिए बी तक सेट मान चुके हैं, तो इनको आप सेट सी मान लीजिए, लेट सी बराबर सी दे दिए। अब देखिए तो बात तो वही है, मिडल ब्रैकेट देंगे फिर एक एक्स लिखेंगे, ऐसे तिरछी लकीर या कोलन कोई प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स लिखिए और बराबर दीजिए, दे दिए। अब देखिए यहाँ पर 5 पावर के रूप में बढ़ा है, तो 5 तो आपको देना ही है। अब जो है कि इनका जो पावर है इनको हम क्या मान लिए हैं, एन मान लिए हैं, तो यहाँ पर आप एन दे दीजिए, एन दे दिए। देने के पश्चात अब देखिए एन जो है जैसे 1, 2, 3, 4 ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप लोगों को हमने बताया है कि प्राकृत संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एन से। तो देखिए एन बिलोंग्स टू एन, इसका अर्थ क्या हो गया कि एन यानी एन का जो मान है 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्या है। और आप मान के चलिए कि प्राकृत संख्या है तो अनंत प्राकृत संख्या है, तो आपको ये भी दर्शाना होगा कि यहाँ पर जो हम पावर रखेंगे तो कहाँ तक पावर रखेंगे, तो 4 गुण पावर है 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर आप कीजिए क्या, एन लेस इक्वल टू 4, यानी एन 4 से छोटी या बराबर है, हो गया इनका सॉल्यूशन। इसी प्रकार से जो है कि आप इसमें जो और सवाल है इनको आप बना सकते हैं। 2, 4, 6 और डॉट डॉट करके है। अब देखिए ये क्या है, 2 का गुणज है, ये 2 का गुणज है, यानी तो आप बोल सकते हो कि समप्राकृत संख्या। ये क्या है, समप्राकृत संख्या। इनको भी लिखने के 2 तरीके हैं, या और तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको हम मान लेते हैं सेट जो है कि डी। अब देखिए तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स सम प्राकृत संख्या है, हो गया इनका जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म हो गया समुच निर्माण रूप। क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या में भी क्या है, सम संख्या में तो एकदम पूर्णांक संख्या भी आता है, तो यहाँ पर निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव है ही नहीं, तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है। या नहीं तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टू एन और एन बिलोंग्स टू एन। अब n बिलोंग्स टू z क्यों नहीं किए, तो क्योंकि यहाँ पर n के स्थान पर आपको प्राकृत संख्या ही रखना है, z करते तो निगेटिव संख्या भी रखते, तो इसमें तो निगेटिव संख्या नहीं है, तो मेरा गलत हो जाता। अब देखिए इसमें क्यों नहीं कंडीशन दिए, और सब में कंडीशन देते थे कि n लेस इक्वल टू 4, तो इसमें तो डॉट डॉट लगा हुआ है ना, इन्फिनाइट सेट है, तो इसलिए जो है इसमें आप कंडीशन से बांध नहीं सकते हैं, यानी डॉट डॉट है, तो एन का मान आप जहां तक रख सकते हैं। अब अगला सवाल इनका है 5वां सवाल, इसमें है कि 1, 4, 9
ऐसे करके डॉट डॉट 100 तक है। अब देखिए, अब जितने भी संख्या बढ़े हैं सभी वर्ग के रूप में बढ़े हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, ऐसे करके बढ़ते चला है। तो इनको जो है आप कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहां पर करेंगे लेट e बराबर x सजेट x बराबर n स्क्वायर, क्या करेंगे n स्क्वायर। तो यहां पर प्राकृत संख्या जो है अपने वर्ग के रूप में बढ़ा है। अब ये भी दे देना है n बिलोंग्स टू n, क्यों, क्योंकि 1, 4, 9, 100 ये सब क्या है प्राकृत संख्या है, तो ये लिखना ही पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको लिखना होता है भाषाई रूप में। अब देखिए n का मान कहां तक होगा, अब चूंकि प्राकृत संख्या है n बिलोंग्स टू n क्या है तो अनंत तक है। अब अनंत तक तो नहीं है, यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर इसका एंड पॉइंट भी है। हाँ, अगर यहाँ पर डॉट डॉट रहता तब तो यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखते, चूंकि डॉट डॉट नहीं है तो कंडीशन से बनना होगा। चलिए, तो ये जो 100 है, 100 किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको करना होगा n लेस इक्वल टू 10, यानी n जो है 10 से छोटी या उसके बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब ये सूचीबद्ध करेंगे तो इसका अर्थ हो गया आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 5 का एक नंबर का जो सवाल है कह रहा है कि a बराबर एक्स सजेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या आप लोग जानते ही है, आप विषम संख्या आप लोग बोलो क्या होगा, कॉमेंट में जो है कि डेफिनेशन लिखी दो परिभाषा को, यानी दो से जो विभाजित नहीं होता हो। तो चलिए इनको हम लिख देते हैं, सूचीबद्ध कर देते हैं। देखिए प्राकृत कह रहा है इसलिए एक क्या है विषम संख्या है और प्राकृत संख्या है, दो भी लेंगे यस या नो करो। चलिए दो नहीं ले सकते हो क्योंकि सम संख्या है। अब यहाँ पर आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट, क्योंकि कंडीशन तो है नहीं कि 10 ही वो लिखिए, ये सब बात तो नहीं है, इसे अनंत तक जाएगा। हो गया इनका आंसर यही हुआ। अब देखिए इनका क्या सॉल्यूशन होगा, देखो आंसर लिखो कि सॉल्यूशन लिखो, हालांकि मैथमेटिक्स है सॉल्यूशन ही लिखो, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पर बी है, बी बराबर, अच्छा एक चीज आप लोग बताइए कि बढ़िया गाना आप लोगों में से कौन अच्छा गाता है। अब यहाँ पर देखिए x सजेट x कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए इनका मान क्या कह रहा है कि -1/2, यानी x का जो मान है -1/2 से क्या है बड़ा है और 9/2 से क्या है छोटा है, यानी -0.5 से क्या है x का मान बड़ा है और 4.5 से x का मान क्या है छोटा है। तो चूंकि पूर्णांक संख्या है और ये अभी परिमेय संख्या के रूप में, यहाँ पर ये 1/2 क्या है परिमेय संख्या, 9/2 क्या है परिमेय संख्या, आपको पूर्णांक संख्या लिखना है यानी बटे नहीं आना चाहिए। तो देखिए -0.5 से कौन सी संख्या बड़ा होगा, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखिए x का मान यही होगा, इस बात को समझिए कि ये क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि -1/2 से जो x है यह बड़ा है, -1/2 से x क्या है बड़ा है, तो क्या होगा 0 बड़ा है। और यहाँ पर 9.5 से क्या कर 4.5 से x का मान छोटा है, यानी 0 से लेकर के कहां तक संख्या होगा 4 तक। तो यहाँ पर आप लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 से कहां तक होगा 4 तक होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि x सजेट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4
4। अब इनको भी पढ़ने का तरीका है, यानी आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि 4 ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर ऐसे इधर से तुलना करके पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 ऐसे पढ़ेंगे। तो चलिए पहले आप एक्स का मान निकाल लीजिए। तो मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 कीजिए तो एक्स का मान क्या निकल के आएगा, 4 का वर्गमूल प्लस माइनस रूट ओवर 4 होगा। तो 4 हो गया, जैसे प्लस माइनस क्या हो गया 2, तो यानी एक्स का जो मान होगा माइनस 2 से लेकर के प्लस 2 तक होगा, माइनस 2 से लेकर के प्लस 2 तक होगा। तो इनका सेट क्या होगा जी, अब देखिए माइनस 2 के बाद माइनस 1 आएगा, 0 आएगा, 1 और 2 आएगा, तो हो गया यही इनका सॉल्यूशन है। अब देखो यहां पर ये काफी आसान सवाल आ गया है, इनको सूचीबद्ध कैसे करोगे, ये कौन फॉर्म में है। तो देखो ये जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये L है ना, लोयल है, तो यहाँ पर L लिखो, फिर O है तो O दो, Y है तो Y दो, अब यहाँ पर A है तो A दो, अब देखो पुनः L है तो L हम पहले ही लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करना है। देखो सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर देखिए इनका जो पांचवा सवाल है, 5 नंबर का पांचवा सवाल कह रहे कि F बराबर एक्स डेट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन जो है नहीं होते हैं, यानी इसमें जो आपको वर्ष का ऐसा महीना लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं जनवरी की, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं तो जनवरी को नहीं लिखना है, यानी जिसमें 31 दिन नहीं होता है उस महीना को लिखना है। तो फरवरी, तो आपको क्या हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। उसके बाद मार्च, मार्च में भी 31 दिन होते हैं तो मार्च नहीं लिखना है। मार्च के बाद अप्रैल, तो देखिए अप्रैल में जो है 30 दिन का महीना होता है तो आप अप्रैल लिख सकते हैं। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, मई में 31 दिन होते हैं तो मई नहीं लिखना है। उसके बाद जून, तो जून में आपको क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं तो जून लिखना है। उसके बाद जुलाई में 31 दिन होते हैं और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं तो जुलाई और अगस्त नहीं लिखना है। सितंबर में 30 दिन होते हैं तो सितंबर लिखना है। उसके बाद सितंबर के बाद देखिए अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं तो आपको नवंबर लिखना है, फिर दिसंबर में 31 दिन होते हैं, दिसंबर नहीं लिखना। यानी इसमें वैसे ही महीने का नाम लिखना है जिसमें 30 दिन या 30 दिन से कम होते हैं, यानी 31 दिन से कम होते हैं। तो देखिए यही हो गया इनका छठा सवाल। देखो क्या कह रहा है कि एक्स डेट एक्स अंग्रेजी वर्ण वाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्ण वाला का एक व्यंजन है। देखिए यहाँ पर व्यंजन कह रहा है यानी स्वर को छांट दिया है, कह रहा है कि जो के से पहले आता है, के से पहले, तो लिख डालिए। आप लोग लिखने के लिए जानते ही हो, अब के से पहले लिखना है। अब देखो कह रहा है कि व्यंजन है तो अगर हम ए से शुरुआत करें तो ये क्या है, स्वर है तो ये तो लिखना नहीं है, यानी आप क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। उसके बाद सी लिख सकते हो क्योंकि ये व्यंजन है, डी लिख सकते हो, फिर ई क्या है, स्वर है, उनको नहीं लिखना है। ई के बाद आप एफ लिख सकते हो, एफ के बाद आप जी लिख सकते हो, जी के बाद क्या होगा, एच होगा, फिर आई नहीं लिख सकते हो, आई नहीं, आई क्या हो गया, स्वर हो गया। उसके बाद आप जे लिख सकते हैं, अब के से पहले है, के से पहले तो के से पहले आई तक ही होगा, अब आप लिख ही नहीं सकते आगे, बस यही लिखना था, यही सूचीबद्ध हो गया। अब पुनः एक बार सवाल को समझ लीजिए, कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है और के से पहले आता है, स्वर को क्या करना है, छांट देना है। इसी प्रकार से आपको कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है जो के से पहले आता है,
तो आप लोग क्या करना है, आप लोग के लिए टास्क था, उनको आप लोग बनाओगे और फेसबुक पेज पर आप जो है कि फोटो खींच करके हमें भेजोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मिलान करना है। मिलान यानी इधर भी दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, इधर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी रोमन एक का जो है कि कौन सा ऑप्शन होगा उसमें जो है कि मिलान करना है। देखिए एक का क्या होगा, जैसे 1 2 3 6 है, तो 1 2 3 6 क्या है, यानी एक्स डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। एक का क्या होगा आपको, ये होगा आपको सी होगा। फिर है कि 2 3, अब देखिए 2 क्या है, 2 आपको समभाज संख्या है। अब देखिए 3 भी क्या है, अभाज संख्या है, तो 2 और 3 क्या है, अभाज संख्या है, और 2 2 3 6 3 2 6 यानी एक अभाज संख्या है और 6 की भाजक है। तो 2 क्या है, एक अभाज, 2 और 3 अभाज संख्या है ही और 6 का भाजक भी है, इसलिए 2 का जो होगा आपको वो होगा आपको ए। फिर है यहाँ पर देख सकते हैं कि एम ए टी एच ई, अब देखिए एम ए टी एच ई यानी मैथ, यानी इसका तो काफी इजी है और आराम से ही इसको मिला सकते हैं। यानी 3 का क्या होगा, ये मैथमेटिक्स को इस प्रकार से जो है कि रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, तो 3 का आपको होगा वो होगा आपको डी। फिर देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, देखिए 1 भी विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या और ये 9 जो है ये भी विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर है एक्स डेट एक्स एक प्राकृत, ये नहीं होगा ये होगा, एक्स डेट एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो देखिए 9 तक है तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो इसलिए 4 का आपको सही ऑप्शन क्या होगा, 4 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है और आप लोग क्लास 11 की सीरियली तैयारी चाहते हैं, कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ही लो और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। क्यों, क्योंकि ज्यादा व्यूज आएंगे तब ही आपको और अच्छी और बेहतर तरीके से पढ़ाई मिलेगी और प्रत्येक दिन आकर के आप इस चैनल पर क्लास 11 की तैयारी कर सकते हो। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाओ और ज्यादा फोन नहीं करना है, आप लोग फोन बहुत कर देते हो, ढेर सारे फोन आ जाते हैं, इसलिए फोन ज्यादा नहीं करना है और प्रत्येक दिन क्लास का लाभ लो।